दाता दरबार के इतराफ में कब्जा माफिया से जगह वागुजार कराने और फराइज की अदायगी के दौरान एडिशनल SHO वारिस अली जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर नवाब की रिपोर्ट में। दाता दरबार के इतराफ में कब्जा माफिया से जगह वागुजार कराने और फराइज की अदायगी के दौरान एडिशनल SHO वारिस अली जिंदगी की बाजी हार गया। दाता दरबार के इलाके में पुलिस अदालती बेलिफ के साथ कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए गई। कब्जा माफिया तल्ख कलामी के बाद गुंडागर्दी पर उतर आया और पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक कब्जा माफिया के शख्स ने एडिशनल SHO वारिस अली के सीने में टक्कर मारी, जिसके बाद उनकी हालत गैर हो गयी। एडिशनल SHO वारिस अली अस्पताल मुंतकिल करने से पहले ही जान की बाजी हार गए। एडिशनल SHO वारिस अली सीने में चोट लगने से जहां भाग हुए। पुलिस ने लाश मुर्दा खाने मुंतकिल करके सरकार की मदयत में मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज किया गया, जबकि एडिशनल SHO अली वारिस ने 100 गुवारों में एक बेटी और 4 बेटे छोड़े। मुदस्सिर नवाब, लाहौर न्यूज।